जो खड़े हुए ना खासकर रोड क्रॉस करने के लिए, यार प्रॉब्लम यह है कि उनकी उनको मुझे लग रहा है कि उनको जो है ना जोड़ों में दर्द होगा, तो सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रॉब्लम होगी। जब भी ये लोग जो है, ये इतना बड़ा ब्रिज सामने नज़र आ रहा है उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट रोड फलांग के जाना है उनको। पता नहीं क्या मज़ा आता है इन लोगों को। ये देखेंगे रोड के बीचों बीच लोगों ने गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो, अबू जान का रोड है हमारे, किसी को भी ओवरटेक कर दो, कौन बोलने वाला है यार। सर इसमें से ऑडियो तो कट हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल कट हो जाएगा। तो हम अपनी वीडियोस को ना कोई भी ऑडियो बीच में डाल दें, जैसे इसको दिखा दें कि भाई ये इस चक्कर में है कि मैं रोड किस तरह क्रॉस, हाँ जबकि थोड़ा सा आगे चले दिक्कत करे तो पीछे पुल है। ये जो है ये इसको देख लें, ये किस लिए खड़े हुए हैं, ओवरटेक किया हुआ है ये कोई बस स्टॉप नहीं है, फिर भी आवाम यहाँ पर खड़ी है। ये देखें दरख्त के अंदर छुप के बेगम से खड़ा हुआ नाजरीन। और ये डेट पकड़े आप, ये डेट हमने पकड़ी है, ये रोड के बीचों बीच डेट लग रही है। आप देखें जरा गौर से, कांधे गायब हो गए यार, कोई सेंस ही नहीं है। अबे यार कोई होटल चले जाओ भाई, होटल जाके बैठ जाओ। ये देखें आप, ये मैं जरा जूम करता हूँ उसको, ये पुल पे खड़ी हुई है, इसको नहीं पता कि इसने कहाँ जाना है, रोड के ऊपर बैठ गई है। ये क्या फैमिली पार्क है, ये क्या है ये यार, अल्लाह रहम करे हम लोगों का। हाँ जी ये देखिए, ये बंदा जो है रॉन्ग वे में जा रहा है, रोड जाने का और ये आ रहा है, कोई समझाए इस खोते नू। ये देखिए, ये सारे के सारे जो है ना ये रॉन्ग जा रहे हैं भाई। कौन हो यार तुम लोग, कहाँ से आए हो? ये एक और आ गए, डबल सवारी पे पाबंदी, डबल सवारी पे पाबंदी होने के बावजूद डबल घूम रही है। पकड़ो इसको। कमेंट्री सर अच्छी कर रहा है, इस बेचारे की गाड़ी पंचर हो गई यार। ये देखें, ये लड़की को देखें आप, ये रोड क्रॉस कर रही है बगैर सोचे समझे, शक्ल अच्छी नहीं है वरना मैं इसको गाड़ी में बिठा लूं। हाँ क्या हुआ, सही नहीं थी, मुंह का जायका खराब यार। यार अल्लाह माफ करे यार, ये गलत बात कर दी यार, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा यार। किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए यार, नहीं सही बात है यार, इलाज इसके ऐसा नहीं होना चाहिए, बट रोड के बीच में पार्किंग भी नहीं होनी चाहिए कोई। यार इनकी गाड़ियां उठा के लेके जाओ यार, भाई ट्रैफिक वालों तुम कुछ तो सुन लो, ये रोड के बीच में पार्किंग कर देते हैं भाई। तो भी दिखाएं ये रोड, ये देखें यार, ये देखें ये रोड टूटा हुआ है, कौन बनाएगा भाई, ये कौन बनाएगा? हालांकि ये अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, किसने तोड़ा है, ये क्या तरीका है ये? नहीं कोई, ये देखे ना ये सब अभी तो बना, ये सब हाँ हाँ ये अभी बना है, एक साल भी नहीं हुआ। ये देखें ये बाबा जी को, रोड के बीच में खड़े होके बेचारे माजूर हैं, हम जानते हैं, बट इस तरह से नहीं होता कोई तरीका, अल्लाह ना करे इनको कोई गाड़ी ठोक के चली जाए तो कौन जिम्मेदार है, उस बेचारे गाड़ी वाले की तो मौत आ जानी है। ये एक और भाई साहब रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके जो है ना, चलते हुए रोड पे गाड़ी खड़ी करके बैठ गए। यार समझो भाई, कराची के कानून को कोई नहीं समझता यार। इंग्लिश जी जनाब, ये है हमारी शाही सवारी। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है शुरू सुजुकी के ऊपर जो है ना सवार होने का, ये हमारे भाई साहब हवाखोरी कर रहे हैं इस वक्त। कोई शिकार आ क्यों नहीं रहा है? अब आप ये देखें कि ये बंदा सुजुकी से कितना बाहर निकला हुआ है। खुदा के बंदे जरा समझो, ये जान बहुत प्यारी होनी चाहिए, एक बार मिली है ये।
बट ऐसे बैठा हुआ है कि जैसे पता नहीं जिंदगी से बेजार है बेचारा। कोई आए इसे ठोके, चार दिन की छुट्टी मिल जाए इसको, काम चोर साला। घुसना है एक दूसरे के अंदर, घुसना है बस। मैं पहले चला जाऊं। पता नहीं गाड़ी लेने के बाद जो है ना, आप समझते हैं कि आप मेयर हैं कराची के और आप सारा ट्रैफिक रोक के खुद जाएंगे पहले। ये देखें आप, ये ज़बरदस्ती घुस गए हमारी गाड़ी के आगे। तेरी तो मैं अभी आगे बताता हूँ तुझे। ये देखें, ये शाहिद भाई ने ओवरटेक किया नाज़रीन। ये शाहिद भाई जो है ना हमारे, बड़ी अच्छी ड्राइविंग करते हैं कभी कभी, गुस्सा भी आ जाता शाहिद भाई को। ये देखें, ये पार्क में घूम रहा है ये। बस ये हमारा ऑफिस आ गया आज तक के लिए। इतना एंटरटेनमेंट अभी तक के लिए काफ़ी है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।